Hi everybody, Namaskar. In today's video, we are going to continue with the Indian Polity series. In the last lecture, we discussed the basic features of fundamental rights. And in today's lecture, we are going to start with Article 13. आज की इस वीडियो में हम आर्टिकल 13 के बारे में बात करेंगे, आर्टिकल 14 को डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा डीप में जाके समझेंगे कि क्या क्या प्रोविजंस रहे हैं और आर्टिकल 13 बेसिकली किन चीज़ों से डील करता है, आर्टिकल 14 किन चीज़ों से डील करता है. देखिए, फंडामेंटल राइट्स जो टॉपिक है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. इसके एक एक वर्ड में कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है. इफ़ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, एवरी वर्ड शुड बी अंडरस्टूड, राइट? सो लेट्स मूव अहेड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड वॉट हैज़ आर्टिकल 13 एंड 14 सेट. तो ये सातवां लेक्चर है इंडियन पॉलिटी सीरीज का. चलिए थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे बात करते हैं. हिस्ट्री में जाके देखते हैं कि कैसे कैसे चीज़ें जो हैं वो इवॉल्व हुई हैं आर्टिकल 13 के रिस्पेक्ट में. तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, राइट, तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, वी ऑलरेडी हैड सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ नेशंस जिन्होंने कई ह्यूमैनिटेरियन और डेमोक्रेटिक कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट किया था, राइट? एंड दिस इज़ द रीज़न आवर फाउंडिंग फादर्स, ये लोग बहुत पैशनेट थे कि हमें भी ऐसे ही कुछ मल्टीपल चीज़ें, मल्टीपल एस्पेक्ट्स अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड करना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़, प्रिंसिपल्स ऑफ UDHR, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस एट्सेट्रा, ठीक है? तो उनके दिमाग में भी ये था कि हमें भी ऐसी कुछ मल्टीपल चीज़ें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड करना चाहिए. दिस इज़ द रीज़न पार्ट थ्री का डिस्कशन 38 डेज के लिए चला था, ठीक है? वाइल मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट थ्री वॉज डिस्कस्ड फॉर 38 डेज. तो अगर आर्टिकल 13 की बात करें, तो आर्टिकल 13 आपका सेम ऑब्जेक्टिव से डील करता है कि स्टेट और राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ पीपल, ये दो आपस में क्लैश ना करें. स्टेट मस्ट रिस्पेक्ट द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ पीपल, राइट? सो पार्ट थ्री एग्जिस्ट विद द सेम ऑब्जेक्टिव, पार्ट थ्री एग्जिस्ट विद द सेम ऑब्जेक्टिव दैट आवर राइट्स and freedom should be protected against state's arbitrary action. State के action में and rights and freedom of people में कोई clash ना हो. This means state's action should be judged on the basis of their impact on rights and freedom of the people. This entire concept surrounds around Article 13. मूल रूप से Article 13 यही है कि state का और राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ पीपल का कोई क्लैश ना हो, ठीक है? दिस इज़ दी यू नो ब्रीफ एंड बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्सेप्ट बिहाइंड आर्टिकल 13. नाउ द क्वेश्चन कम्स, सिंस व्हेन हैज़ फंडामेंटल राइट्स एग्जिस्टेड, कब से फंडामेंटल राइट्स एग्जिस्ट कर रहा है? तो फंडामेंटल राइट्स तब से एग्जिस्ट कर रहा है जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, दैट इज 26 जनवरी 1950. तो हमारा प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ एग्जिस्टेड सिंस 26 जनवरी 1950 एंड ऑन द सेम डे सिंस दैट डे फंडामेंटल राइट्स हैव बीन वैलिड, राइट? तो व्हाट हैज़ बीन मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जो वर्बैटिम मेंशन्ड है कॉन्स्टिट्यूशन में, लेट्स हैव अ लुक. सो आर्टिकल 13 डिक्लेयर्स दैट ऑल द लॉज दैट आर इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स शैल बी वॉइड, ठीक है? आर्टिकल 13 बेसिकली ये कह रहा है कि ऐसा कोई भी लॉ जो कि फंडामेंटल राइट्स के साथ इनकंसिस्टेंट है या डेरोगेटरी है, उस लॉ को हम वॉइड मानेंगे, नल मानेंगे, उसको नहीं मानेंगे, ठीक है? इन वर्ड्स, इट एक्सप्रेसिवली प्रोवाइड्स फॉर द डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू,
right? This power has been conferred on Supreme Court under Article 32. याद होगा आपको, हमने पिछले लेक्चर में समझा था कि Article 32 which is constitutional remedies Supreme Court के अंदर में आता है. तो सुप्रीम कोर्ट के पास अंडर आर्टिकल 32 ये पावर है एंड हाई कोर्ट के पास अंडर आर्टिकल 226 ये पावर है कि दे कैन डिक्लेयर अ लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड इफ द लॉ इज इनकंसिस्टेंट विद योर फंडामेंटल राइट्स. ठीक है, तो दे कैन डिक्लेयर अ लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इनवैलिड ऑन द ग्राउंड ऑफ कॉन्ट्रावेंशन ऑन एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स. सो दिस इज वॉट हैज बीन मैंशनड इन द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 13, राइट? तो ऐसा कोई भी लॉ अगर फंडामेंटल राइट्स के साथ क्लैश कर रहा है या उसको डेरोगेटरी कर रहा है, उसके साथ इनकंसिस्टेंट है, दैट लॉ विल बी इनवैलिड. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट डज द टर्म लॉ मींस इन आर्टिकल 13. बेसिकली ये लॉ कितनी वाइड डेफिनेशन है, इस लॉ के कैटेगरी में कौन कौन से लॉज या कौन कौन से एक्ट्स आते हैं. द टर्म लॉ इन आर्टिकल 13 हैज बीन गिवन अ वाइड कनोटेशन सो एज टू इंक्लूड द फॉलोइंग: परमानेंट लॉज विच आर एनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स. ठीक है, टेम्प्ररी लॉज लाइक ऑर्डिनेंसेस इशूड बाय द प्रेसिडेंट और द स्टेट गवर्नर्स. तो प्रेसिडेंट्स जो हैं, प्रेसिडेंट या स्टेट गवर्नर के पास पावर होती है ऑर्डिनेंस इशू करने के लिए. आगे हम और समझेंगे जब प्रेसिडेंट और गवर्नर का टॉपिक आएगा. तो टेम्प्ररी लॉज होते हैं ऑर्डिनेंसेस, इन ये भी लॉ की कैटेगरी में, ये भी लॉ के डेफिनेशन में अंडर आर्टिकल 13 एग्जिस्ट करते हैं. थर्ड इज योर स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट्स, राइट, इन द नेचर ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन एंड एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन लाइक ऑर्डर, बाय लॉ, रूल, रेगुलेशन और नोटिफिकेशन. तो ऐसा कोई ऑर्डर, बाय लॉ, रूल या रेगुलेशन है जो स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट के अंदर में आता है, दैट ऑल्सो कम्स अंडर द लॉ डेफिनेशन अंडर आर्टिकल 13. एंड फोर्थ वन इज नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेज ऑफ द लॉज, दैट इज कस्टम और यूसेज हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ, राइट? तो ये सारी चीजें हमारी लॉ के डेफिनेशन में आता है अंडर आर्टिकल 13. काफी इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट आर्टिकल 13 का. इसमें एक एक वर्ड, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, एवरी वर्ड इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड दैट्स व्हाट आई एम डूइंग हियर. आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू द मीनिंग ऑफ एवरी वर्ड विच हैज बीन रिटन अंडर दिस आर्टिकल. ठीक है, चलिए, व्हाट डज आर्टिकल 13 क्लॉज 1 डील्स विद? तो आर्टिकल 13 क्लॉज 1 बेसिकली डील करता है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के बारे में. प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज का मतलब वो लॉज जो 26 जनवरी 1950 से पहले थे. आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑल्सो योर फंडामेंटल राइट, वॉट वुड बी डन विद दोज लॉज जो कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल एरा में थे, जो कि 26 जनवरी 1950 से पहले बनाए गए थे, उन लॉज का क्या करना है? दिस इज मैंशनड अंडर आर्टिकल 13 क्लॉज 1. सो इट डील्स विद प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, ऑल द लॉज एनफोर्स्ड इन इंडिया इमीडिएटली बिफोर the commencement of the constitution, that is your 26th January 1950 shall be held unconstitutional and void if, please note, if they violate one or more provisions of part 3 of Indian constitution to the extent of such violation. Part 3 is your fundamental rights. ठीक है, तो ऐसे आर्टिकल्स, ऐसे लॉज जो कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल एरा से एग्जिस्ट कर रहे हैं, दे वुड बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड, दे वुड बी डिक्लेयर्ड इनवैलिड
इफ देयर इज अ वेरी ह्यूज कंडीशन, क्या वो सारे लॉज जो 1950 26 जनवरी को एग्जिस्ट करते थे, क्या वो सारे लॉज इनवैलिड होंगे? नहीं, देयर इज अ ह्यूज कंडीशन, ओनली दोज लॉज वुड बी कंसिडर्ड इनवैलिड एंड विल बी डिक्लेयर्ड वॉइड, जो कि फंडामेंटल राइट्स विच कम्स अंडर पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उन लॉज को ये नल एंड वॉइड करता है इफ दे आर इनकंसिस्टेंट विद योर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से समझिए इसको, एक एजुकेशन एक्ट था 1930 का जिसमें कई सारे प्रोविजंस दिए हुए थे, जैसे कि अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन, अमाउंट ऑफ द फंड विच वुड बी एलोकेटेड, योर एज ग्रुप ऑफ द चिल्ड्रन, एंड दे अमंग्स अदर थिंग देर वॉज वन मोर प्रोविजन विच सेड एक सर्टन क्राइटेरिया होगा, एक सर्टन ग्रुप होगा चिल्ड्रन का, दे वुड नॉट बी अलाउड टू गेट द एडमिशन इन योर कॉलेज. सो चिल्ड्रन फ्रॉम अ सर्टन कास्ट शैल नॉट बी एडमिटेड इन द स्कूल. ये प्रोविजन था अमंगस्ट अदर प्रोविजन्स विच वॉज इंक्लूडेड इन योर एजुकेशन एक्ट ऑफ 1930. ठीक है, सिंस ये प्री कॉन्स्टिट्यूशनल टाइम का है, इट वॉज द एक्ट विच हैज़ बीन पास्ड इन 1930s एंड योर कॉन्स्टिट्यूशन केम इन टू बींग इन 1950 ओनली. तो ये जो प्रोविजन है, बिकॉज ऑफ दिस प्रोविजन द एक्ट बिकेम द एक्ट वॉज नल एंड वॉइड, इट वॉज बींग इनकंसिस्टेंट विद योर फंडामेंटल राइट. तो अब इस एक्ट में क्या करेंगे? क्या हम इस पूरे एक्ट को ही नल एंड वॉइड कर देंगे? राइट, नहीं, ऐसा नहीं होगा. सिंस ओनली वन प्रोविजन अमंग्स द अदर वॉज इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट्स, तो इस क्लॉज को हम इनवैलिड मानेंगे, नॉट द होल ऑफ लॉ. नाउ सिंस 1950 दिस क्लॉज स्टैंड्स इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट, तो अगर हम आर्टिकल 13 क्लॉज 1 को अप्लाई करते हैं and if we filter out such clauses of any XYZ act and if we filter out, तो वो सारे laws जो कि invalid है fundamental right से, वो आपके filter out हो जाएंगे, right? तो इसको ऐसे समझिए, एक filter है, ठीक है, एक filter है, there's a sieve, आपने सारे acts को इसमें डाला और ये यहाँ से जितने भी निकल रहे हैं ये invalid है. जो वैलिड हैं दे वुड कंटिन्यू टू ऑपरेट, जो क्लॉजेज वैलिड हैं किसी भी एक्ट के दे वुड कंटिन्यू टू ऑपरेट, एंड दोज विच आर सीव्ड आउट विच आर इनवैलिड दे वुड बी यू नो डिलीटेड, दे वुड बी इनवैलिड, राइट? दिस इज व्हाट बेसिकली योर आर्टिकल 13 क्लॉज 1 सेज. सो व्हाइल अप्लाइंग क्लॉज 1 इन द सेम एग्जाम्पल, वी कैन से that since this clause is against the fundamental rights, it would become void, it would become invalid. इस clause को हम invalid कर देंगे, ना कि पूरे act को, right? चलिए, article 13 जो है वो determine होती है दो doctrine से, पहली doctrine of severability और separability and second is doctrine of eclipse, right? तो doctrine of severability और separability जिसका मतलब होता है to separate, and doctrine of eclipse which means to hide. ठीक है, एक एक करके समझते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, प्लीज़ बिल्कुल ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश करिएगा. ठीक है, तो डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी या सेपरेबिलिटी मींस टू सेपरेट. तो अगर कोई भी पर्टिकुलर प्रोविजन किसी भी आर्टिकल का, किसी भी लॉ का, इट बिकम्स इनकंसिस्टेंट विद पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज़ योर फंडामेंटल राइट्स, उस एक पर्टिकुलर प्रोविजन को हम फिल्टर आउट कर देंगे, उसको हम सेपरेट कर देंगे, राइट? तो क्या हम उसको डिलीट करेंगे? वुड दैट प्रोविजन बी डिलीटेड? अभी हम आगे समझेंगे उसको. ठीक है, उसको बेसिकली हम सेपरेट करके उसका कर क्या रहे हैं, लेट्स अंडरस्टैंड दैट. द डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी मीन्स दैट व्हेन सम पर्टिकुलर प्रोविजन, प्लीज पे अटेंशन, नॉट ऑल ऑफ द प्रोविजन ऑफ एनी एक्ट, सम पर्टिकुलर प्रोविजन ऑफ अ स्टैट्यूट
offends or is against a constitutional limitation, but that provision is severable from the rest of the statute, only that offending provision will be declared void by the court and not the entire statute. Us pure statute ko hum void nahi declare karenge, only that offensive provision jo ki offend kar raha hai kisi bhi constitutional limitation mein jaake, to hum usko basically separate kar denge. So this is what is meant by doctrine of severability or separability. इस कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग एक केस हुआ था विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट केस, विच इज़ ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास केस. बेसिकली इस केस में क्या था, सेक्शन 14 ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट दैट वॉज बीइंग क्वेश्चन्ड. तो सेक्शन 14 जो कि प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट का सेक्शन है, उसको क्वेश्चन किया गया और ये बोला गया कि जो इंडिविजुअल डिटेन हो रहे हैं उन्हें उनके ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन बताने का मौका नहीं दिया जाएगा. ठीक है, तो दिस इज़ द वॉयलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, बिकॉज फंडामेंटल राइट्स में अंडर आर्टिकल 22 वी रीड दिस कि ग्राउंड्स जो है वो डिक्लेयर्ड होने चाहिए, दैट मस्ट बी क्लियर. किसी भी इंडिविजुअल के डिटेंशन के ग्राउंड्स मस्ट बी नोन, राइट. सो सेक्शन 14, ओनली सेक्शन 14 ऑफ Preventive Detention Act of 1950, which allowed the government to detain individuals without trial if they were deemed to be threat to national security. So this section was against fundamental rights. ठीक है, तो simply doctrine of separation means to filter out, to check all the acts. Basically हम सारे acts को filter out कर रहे हैं and we are actually separating those provisions, we are actually separating those clauses only which are being inconsistent with the part 3 of Indian constitution, which are being inconsistent with fundamental rights. ठीक है, so all those laws which respect fundamental right shall be valid. वो वैलिड होंगे जो लॉज आपके फंडामेंटल राइट्स को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, राइट. आई होप ये क्लियर हो रहा होगा. ये एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यू कैन कोट सच एग्जांपल्स इन योर मेंस आंसर्स और एनी सच आंसर्स जहाँ पे आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में बात करनी है या आर्टिकल 13 के बारे में बात करनी है या फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करनी है. सो यू कैन वेरी वेल कोट सच एग्जांपल्स. नाउ लेट्स टॉक अबाउट डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स. आई ऑलरेडी टोल्ड यू एक्लिप्स मीन्स टू हाइड. ठीक है, तो इस डॉक्ट्रिन में बेसिकली क्या बात चल रही है, उन प्रोविजंस का क्या होना है जिन्हें हम इनवैलिड डिक्लेयर कर दे रहे हैं, राइट. तो उन प्रोविजंस का होना क्या है, सी ऐसे समझिए जैसे तीन तरीके के वॉल्केनोज होते हैं, स्लीपिंग, एक्टिव एंड डेड. वैसे ही डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स काम करता है, ये बेसिकली इनएक्टिव मोड में चला जाता है. ठीक है, वो प्रोविजंस, वो एक्ट जो कि किसी एक ज़माने में किसी एक टाइम पे इनकंसिस्टेंट थे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के साथ, उनको हम डेड नहीं मान रहे हैं, उन्हें हम इनएक्टिव स्टेज में रख दे रहे हैं. दे आर इन दी डॉर्मेंट स्टेज, दे आर इन दी इनएक्टिव स्टेज. ठीक है, तो बेसिकली डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स उनको हाइड कर लेता है उन एक्ट्स और प्रोविजंस को फॉर टाइम बीइंग, जब तक उन एक्ट्स की एक्चुअली में ज़रूरत नहीं है. So doctrine of eclipse states that any law which is inconsistent with fundamental rights is not invalid. अभी तक हम क्या देख रहे थे separability में, कि वो laws invalid हैं और उनको separate कर दो. Doctrine of eclipse ये कहता है कि ये invalid नहीं है, they are not totally dead but they are overshadowed by the fundamental rights. इनको eclipse, what happens in eclipse, ओवरशैडो हो जाती है, उन्हें वो छुपा लेते हैं. ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स इनको छुपा लेते हैं, इन प्रोविजंस को. द इनकंसिस्टेंसी और द कॉन्फ्लिक्ट कैन बी रिमूव्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, राइट. जो भी प्रोविजन इनकंसिस्टेंट हो रहा है या फंडामेंटल राइट्स के साथ क्लैश कर रहा है, दे कैन बी रिमूव्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट.
ठीक है, तो इनको रिमूव किया जा सकता है। अब डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स से भी रिलेटेड कई सारे केसेस हुए हैं जिनमें काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें चैलेंज हुई हैं और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट केसेस जो हैं जो कि डिसीजंस को ओवर रूल करते हुए कई सारे डिसीजंस आए हैं। लेट्स गो थ्रू देम वन बाय वन। तो पहला केस था बीकाजी नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का। इस केस में बेरार मोटर व्हीकल एक्ट ऑफ 1947 ये चैलेंज किया गया था, ठीक है, फॉर बीइंग वॉयलेटिव ऑफ आर्टिकल 19(1)(g). तो थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं बता देती हूँ। बेसिकली हुआ ये था कि उस समय जब ये बेरार मोटर व्हीकल एक्ट पास हुआ था तो स्टेट गवर्नमेंट वॉज एम्पावर्ड टू टेक ओवर ऑल द बिजनेस ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है, मोटर व्हीकल का सारा बिजनेस स्टेट जो है वो अपने हाथ में कर सकती थी। स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर दी गई थी। बट जब फंडामेंटल राइट एग्जिस्ट किया, जब 1950 से आपका कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट किया, तब आपका आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी विच सेज आप अपने किसी भी चॉइस का प्रोफेशन, ट्रेड, बिजनेस, कुछ भी पोजेस कर सकते हो, यू आर, यू नो, आपके पास वो फंडामेंटल राइट है। सो इस केस में क्या हो रहा था, स्टेट गवर्नमेंट ने पूरा बिजनेस अपने हाथ में ले लिया था। पीपल वर नॉट गेटिंग अपॉर्चुनिटी टू हैव सच बिजनेसेस। एंड आफ्टर दी कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी वॉज बींग चैलेंज्ड, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, इसमें एक अमेंडमेंट हुआ जो कि एक प्री कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट था, इसमें एक अमेंडमेंट किया गया और इस क्लॉज को इनवैलिड कर दिया गया, इस क्लॉज को एक्लिप्स कर लिया गया, हाइड कर लिया गया। इसके बाद क्या हुआ, आफ्टर सम टाइम 19 क्लॉज 6 वॉज पास्ड, जिसके थ्रू वापस से स्टेट गवर्नमेंट को मोनोपोली दे दी गई थी कि दे कैन यू नो रन द बिजनेस, राइट। तो फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम this clause was under the eclipse of the fundamental rights, and as and when the constitutional amendment, as per time, as per situation, jaise because we already know that our constitution is very much flexible, so as per need of the situation, again under article 19 clause 6 isko insert kiya gaya aur isko valid kar diya gaya, ठीक है। तो एक्लिप्स अप्लाई करके एक्ट के प्रोविजन को इनऑपरेटिव किया गया था फॉर टाइमिंग, उसके बाद वो ऑपरेटिव हो गया था व्हेन आर्टिकल 19 क्लॉज 6 वाज इंसर्टेड। चलिए नाउ लेट्स रीड व्हाट हैज कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 13 क्लॉज 2। तो द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ। सो 13 clause 1 was about your pre-constitutional laws and 13 clause 2 ये आपका pre-constitutional laws के बारे में है। अभी हमने just बात करी उसके बारे में। 13 clause 2 is about the post-constitutional laws। तो क्या parliament को या state legislatures को ऐसी power है after the post-constitutional कमेंसमेंट कि क्या वो ऐसे लॉज बना सकते हैं जो कि इनकंसिस्टेंट होंगे कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविजन के साथ। दिस इज़ द क्वेश्चन विच हैज़ बीन आंसर्ड अंडर आर्टिकल 13 क्लॉज 2। सो इट हैज़ बीन क्लियरली मेंशन्ड दैट स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक्स अवे और अब्रिजेस द राइट्स कॉन्फर्ड बाय दिस पार्ट, एंड एनी लॉ मेड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दिस क्लॉज शैल to the extent of contravention be void। This means कि part 3 से related state ऐसा कोई law नहीं बना सकती जो कि rights and freedoms of people से clash करे, ठीक है। तो state is not allowed to make any such law which becomes inconsistent with the fundamental rights। So ये post constitutional laws के बारे में article 13 clause 2 बोल रहा है। अब देर वेर मेनी कोर्ट रूलिंग्स विच कंसर्न्ड आर्टिकल 13 क्लॉज 2, एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहला केस जो हुआ था वो हुआ था दीपचंद वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश इन 1959।
इस केस में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स को यूज करके आप सिर्फ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉस को ही सिक्योर कर सकते हो, हाइड कर सकते हो, यू कैनॉट प्रिवेंट और हाइड योर पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज विच आर बींग इनकंसिस्टेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट सेड दैट डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स कैन बी यूज टू गिव प्रोटेक्शन ओनली टू द प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज. ठीक है, एनी पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ cannot be revived in future or it cannot be given protection under doctrine of eclipse since they were void ab initio, which means since their initial wo jab se ye initiate hue the, since they were initiated. theek hai, to basically pre constitutional laws ko hi aap protection de sakte ho. Supreme Court said you cannot protect post constitutional laws, right? Next is a very important case which was State of Gujarat versus Ambika Mill case. So basically, इसका background समझते हैं. What happened was certain sort of कुछ labor welfare fund का एक act बना जिसके किसी provisions में कुछ corrections हुए थे या कुछ addition deletion हुआ था जिसकी वजह से ये case पहुँचा court में. Now what happened is क्योंकि यहाँ पे एडिशन डिलीशन हुए थे लेबर वेलफेयर फंड में, सम सॉर्ट ऑफ यू नो प्रोविजंस दे वेर ऑल्टरिंग, दे वेर हैम्परिंग द फंडामेंटल राइट्स. ठीक है, अब ये तो क्लियर था कि आर्टिकल 13 क्लॉज 2 इट इज़ टॉकिंग अबाउट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स, बट वॉट अबाउट एनी कंपनी, एनी नॉन सिटीजन? अंबिका मिल केस, इस केस में एक कंपनी है, एक फैक्ट्री है, तो ऐसी एंटिटी जो कि नॉन सिटीजन के क्राइटेरिया में आती है उसके बारे में हम कैसे डील करेंगे, उसके बारे में हम कैसे जज करेंगे कि इफ़ द कंपनीज फंडामेंटल राइट इज़ बीइंग वायलेटेड बिकॉज ऑफ सर्टन प्रोविजंस, व्हाट वुड बी द वे फॉरवर्ड? सो सुप्रीम कोर्ट ओवर रूल्ड एंड सेड कि नो, सिर्फ सिटीजन को ही आपके फंडामेंटल राइट्स वैलिड है, एंड इफ एनी सच केस ऑफ एनी नॉन सिटीजन एंटिटी और एनी कंपनी, फैक्ट्री, मिल, वट एवर, इन दोज केसेस ये 13 क्लॉज 2 अप्लाई नहीं होगा. तो 13 क्लॉज 2 बेसिकली पहली जो बात कर रहा है वो बात कर रहा है प्रोहिबिशन की. ठीक है, प्रोहिबिशन की बात करता है कि प्रोहिबिटेड होंगे एनी सच पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज वुड बी प्रोहिबिटेड, स्टेट प्रोहिबिटेड है ऐसा किसी भी लॉ बनाने से जो कि फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन को हैम्पर करे. एंड सेकंड इज एक्सटेंट, किस एक्सटेंट तक प्रोहिबिटेड है? सिर्फ सिटीजन के केस में वो वॉइड होगा अगर वो सिटीजन की फंडामेंटल राइट को वॉयलेट कर रहा है. अदर देन सिटीजन्स, अगर वो कोई एंटिटी है, कोई फैक्ट्री है, नॉन सिटीजन एंटिटी है, इन दोज केसेस दीज लॉज वुड बी वैलिड. अगर स्टेट ऐसा कोई भी लॉ बनाता है तो वो वैलिड होगा, ओनली कंडीशन इज सिटीजन के फंडामेंटल राइट वॉयलेट नहीं होने चाहिए. ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर अंबिका मिल केस इन 1974. तो now it brings us to article 13 clause 3. Now let's talk about article 13 clause 3. In this article, unless the context otherwise, basically ये सारे उन laws के बारे में बात कर रहा है जो law mentioned है article 13 के under में. कौन से ऐसे laws होंगे जो कि operational होंगे, नहीं होंगे? Article 13 is talking about those laws. So unless the context otherwise requires law, includes any ordinance, order, bylaw, rule, regulation, notification, custom or usages having in the territory of India the force of law. Laws in force include laws passed or made by legislature or other competent authority in the territory of India before the commencement of constitution and not previously repealed. Notwithstanding that any such law or any part of thereof may not be then in operation either at all or in particular areas. तो वो कौन से ऐसे laws होंगे जो pre-constitutional era के हैं, कहाँ कहाँ, किन किन sections में वो valid होंगे, we'll be knowing under article 13 clause 3.
Now let's go on and talk about the court rulings which were concerning Article 13 Clause 3. ठीक है, सबसे पहला केस था शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस ऑफ 1991. सो सुप्रीम कोर्ट इस केस में ये हेल्ड करता है कि द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट इज कॉन्फर्ड अंडर आर्टिकल 368. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज अंडर आर्टिकल 368 एंड द वर्ड लॉ as mentioned under article 13 clause 2 does not include an amendment of the constitution. Shankari Prasad case mein bola gaya ki 13 clause 2 ke andar mein jo word law mentioned hai ye constitutional amendment law ya act jo under article 368 mein hai isko match nahi kar raha hai. theek hai, there is a distinction between parliament's law making power which is ordinary law making power and your पार्लियामेंट्री पावर टू अमेंड इट्स यू नो पावर्स. तो क्या पार्लियामेंट खुद की पावर को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर अमेंड कर सकता है? शंकरी प्रसाद केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, पार्लियामेंट की ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर्स ही मैंशनड हैं और उसी के बारे में आर्टिकल 13 क्लॉज 2 में जो लॉ वर्ड मैंशनड है इट इज़ ओनली टॉकिंग अबाउट दोज ऑर्डिनरी लॉ मेकिंग पावर्स एंड नॉट द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ विच आर कंसर्न्ड विद द अमेंडमेंट ऑफ द पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट. ठीक है, तो शंकरी प्रसाद केस ये कह रहा है. नेक्स्ट केस, इसी के सब्सिक्वेंट एक कोर्ट रूलिंग आई थी, सज्जन सिंह का केस था, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने, अब कई सारे चैलेंजेस आए, पहले ये समझते हैं, कई सारे अमेंडमेंट्स हुए थे कॉन्स्टिट्यूशन में एंड वंस अगेन द स्कोप ऑफ अमेंडमेंट वॉज चैलेंज्ड. स्कोप ऑफ अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया था सज्जन सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान के केस में. ठीक है, क्योंकि कई सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स उस समय हो रहे थे. नाउ द फाइव जज बेंच इन सज्जन सिंह केस डेल्ट विद द वैलिडिटी ऑफ 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विच हैज़ एडेड अराउंड 44 स्टैट्यूट्स टू द 9th शेड्यूल. 9th शेड्यूल में अंडर 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 44 स्टैट्यूट्स को ऐड किया गया था. ऑल्दो सारे जजेस अग्री कर गए थे इस बात से विद द डिसीजन ऑफ शंकरी प्रसाद, बट पहली बार ऐसा हुआ था कि जस्टिस हिदायतुल्ला एंड जस्टिस मुढोलकर जे ने एक बहुत अजीब सा डाउट या चैलेंजिंग डाउट रेज किया, जिसमें उन्होंने ये बोला कि पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कर्टेल द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन, देवर यू नो रेजिंग मैनी डाउट्स अबाउट दैट, कि पार्लियामेंट की जो पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की या फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने की, उसको लेके वी आर नॉट वेरी मच क्लियर्ड. ठीक है, तो सज्जन सिंह के केस में एक एन आयोटा ऑफ डाउट वॉज रेस्ड, एक थोड़ा सा यू नो एक नॉन कंक्लूसिव और बहुत अनक्लियर स्टेज में केस को छोड़ दिया गया था. इसके बाद सज्जन सिंह के केस के बाद आता है गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले वाले जजमेंट को, जो कि शंकरी प्रसाद का जजमेंट था, इस केस को इन्होंने ओवर रूल किया और ये कहा कि आर्टिकल 368 में सिर्फ प्रोसीजर मेंशन्ड है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का, पावर ऑफ द पार्लियामेंट मेंशन्ड नहीं है. Only the procedure is mentioned as to how the constitutional amendment can take place and not the power of the parliament, right? So Supreme Court overruled its earlier decision and held that under Article 368 only the procedure to amend the constitution is given. Parliament has not been given the power to use the procedure of amending the constitution. ठीक है, पार्लियामेंट के पास ऐसी कोई पावर नहीं दी गई है. देयरफॉर इफेक्टिवली पार्लियामेंट हैज़ ओनली ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव मेकिंग पावर, ऑर्डिनरी लॉज बनाने की पावर ही दी गई है पार्लियामेंट को एंड इट कैनॉट अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स. तो गोलकनाथ के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट को सिर्फ प्रोसीजर बताया गया है,
इन आर्टिकल 368 ओनली द प्रोसीजर इज मेंशनड. पार्लियामेंट के पास ऐसी कोई पावर नहीं है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविजन को अमेंड कर सके या फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल कर सके किसी भी प्रोविजन में, राइट. सो दिस वॉज क्लियर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस. अब तीसरा केस आता है जो कि रूल आउट किया गोलकनाथ केस को. पार्लियामेंट ने रिस्पॉन्ड किया. ये बेसिकली गोलकनाथ के केस में हुआ क्या, पार्लियामेंट को की पावर को नीचे कर दी गई बिकॉज दे वर ओनली अलाउड टू मेक द ऑर्डिनरी लॉज, ठीक है. तो पार्लियामेंट रिस्पॉन्डेड बाय एडिंग द 24th अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है. इन्होंने इंसर्ट किया, इनैक्ट किया 24th अमेंडमेंट एक्ट को और इंसर्ट किया आर्टिकल 13 क्लॉज 4 को, जिसने अमेंड कर दिया टाइटल ऑफ आर्टिकल 368 विच नाउ रीड, जो अब रीड करता है, विच नाउ एडेड द वर्ड प्रोसीजर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन. तो 24th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू पार्लियामेंट ने गोलकनाथ वर्सेस केस को रिस्पॉन्ड किया और ये कहा कि प्रोसीजर एज वेल एज पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज मेंशनड अंडर आर्टिकल 368, ठीक है. नाउ एक आखिरी बहुत इंपॉर्टेंट केस था, इसके बाद भी इस बात को चैलेंज किया गया, एंड अ वेरी लैंडमार्क केस, वेरी इंपॉर्टेंट केस, विच इज केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस, 1973 में था ये केस. इसमें 24th अमेंडमेंट एक्ट को चैलेंज किया गया और सुप्रीम कोर्ट के सामने अमंग्स द अदर थिंग बेसिकली 24th अमेंडमेंट एक्ट वॉज चैलेंज्ड कि क्या उनके पास पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को भी अमेंड कर सके, डस पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड इफ़ दे हैव द पावर उस पावर का एक्सटेंट क्या है, किस पावर तक वो एक्सरसाइज कर सकते हैं, किस एक्सटेंट तक दे कैन एक्सरसाइज, कैन दे ऑल्सो अमेंड द फंडामेंटल राइट्स. तो कोर्ट ने अपहेल्ड किया, कोर्ट अपहेल्ड द वैलिडिटी ऑफ 24th अमेंडमेंट एक्ट एंड सेड कि पार्लियामेंट बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 368 कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है. कोर्ट अपहेल्ड द वैलिडिटी ऑफ 24th अमेंडमेंट एक्ट, उन्होंने अपहेल्ड किया कि येस 24th अमेंडमेंट एक्ट इज़ वैलिड एंड पार्लियामेंट कैन वेरी वेल अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग योर फंडामेंटल राइट विच इज़ द पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. हाउएवर देर इज़ एन एक्सेप्शन, दे कैन नॉट अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट. अमेंडमेंट शुड नॉट डिस्टर्ब द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. नाउ द क्वेश्चन कम्स, क्या कभी कोर्ट ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने, किसी ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या कभी बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन किया है? Has that officially been defined by the Indian Constitution? No. So Constitution has never defined the basic structure. What is the basic structure of Indian Constitution? ये understood होता गया, ये थोड़ा convention सा चला होता चला गया, but the term, the definition of basic structure has never been mentioned in the Indian Constitution. So the court did not define, the constitution has never defined, the court did not define what is the basic structure of constitution, and in number of cases it has been indicating the provisions that form the basic structure of the Indian constitution, right. So Keshavanand Bharti mein 24th amendment act ko valid bataya gaya ek exception ke sath ki basic structure ko chhu nahi sakti parliament. बेसिक स्ट्रक्चर को कभी डिफाइन नहीं किया गया कोर्ट के द्वारा या कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, लेकिन कई सारे केसेस में ऐसे प्रोविजंस सामने आए हैं इनडायरेक्टली जो कि यह बताता है कि हाँ ये एक बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है. तो बेसिक स्ट्रक्चर ऐसे पार्ट्स हैं, ऐसे प्रोविजंस हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जिनके बिना कॉन्स्टिट्यूशन अपनी बेसिक नेचर, अपना ऑर्गेनिक नेचर लूज कर जाएगा अगर उन प्रोविजंस को छू दिया गया, ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल सेपरेशन ऑफ पावर्स, जुडिशियल रिव्यू, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ, सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म, एक्सेस टू जस्टिस, चेक्स एंड बैलेंसेस, मैंडेट टू बिल्ड अ
वेलफेयरिक स्टेट एट्सेट्रा, ये कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो कि नंबर ऑफ केसेस सामने आए हैं इनडायरेक्टली. इसको कभी डिफाइन नहीं किया गया है कोर्ट या कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा. ठीक है, चलिए तो इसी में अगला जो लेक्चर है, जो वीडियो है, वो कंटिन्यू हो रहा है. अगला कॉन्सेप्ट विच इज़ आर्टिकल 14, वेरी सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड. थोड़ा समझ लीजिए केसेस को, एग्जाम्पल को एंड स्टोरीज को. स्टोरीज आर नेवर मैंशनड इन योर रिसोर्स बुक्स, विच एवर बुक यू मस्ट बी रीडिंग. कई बार ऐसी स्टोरीज मैंशन नहीं होती हैं. प्लीज़ ट्राई एंड अंडरस्टैंड, प्लीज़ ट्राई एंड ग्रास्प स्टोरीज. ठीक है, इसको याद करिए, थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हुए पढ़िए, ताकि आपको याद भी हो चीज़ें, आपका कॉन्सेप्ट भी साथ के साथ क्लियर होता रहे. ठीक है, रटने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है, सुनने की ज़रूरत है. चलिए, आर्टिकल 14 बेसिकली अब आता है इक्वालिटी के उसमें, राइट टू इक्वालिटी के क्राइटेरिया में. बेसिकली आपके आर्टिकल 14 से 18 राइट टू इक्वालिटी के उसमें आते हैं, फंडामेंटल राइट्स के क्राइटेरिया में. सो आर्टिकल 14 स्टेट्स दैट द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन द इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया. ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को डिनाई नहीं कर सकता स्टेट इंडियन टेरिटरी के अंदर. दिस प्रोविजन कॉन्फर्स राइट्स ऑन ऑल पर्सन वेदर सिटीजन्स एंड फॉरनर्स. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो प्रोविजन है राइट टू इक्वालिटी का, वो सिटीजन पे भी एप्लीकेबल है एंड नॉन सिटीजन और फॉरनर्स पे भी एप्लीकेबल है. मोर ओवर द वर्ड पर्सन, पर्सन को भी डिफाइन किया गया है. पर्सन इंक्लूड्स लीगल पर्सन, नेमली स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस, कंपनीज, रजिस्टर्ड सोसाइटीज और एनी टाइप ऑफ लीगल पर्सन. राइट, तो इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन लॉ इज ऑल्सो एप्लीकेबल ऑन सिटीजन एज वेल एज नॉन सिटीजन, ऑन पर्सन विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया. एनी पर्सन, दैट पर्सन कुड बी स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस, कंपनीज, रजिस्टर्ड सोसाइटीज और एनी टाइप ऑफ लीगल पर्सन. ठीक है, चलिए अब इक्वालिटी बिफोर लॉ समझते हैं, फिर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ समझेंगे. कई एक्सेप्शंस हैं इसमें, उसके बारे में बात करेंगे. लेट्स फर्स्ट नो फ्रॉम वेयर हैज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ ओरिजिनेटेड. तो ब्रिटिश ओरिजिन का है बेसिकली इक्वालिटी बिफोर लॉ. इट कनोट्स द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेज. इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब लॉ की नज़र में हर इंडिविजुअल इक्वल है. किसी भी टाइप का प्रिविलेज किसी भी इंडिविजुअल को नहीं मिला है. कानून की आंखों में, लॉ की आंखों में एवरी इंडिविजुअल इज इक्वल. ठीक है, एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेज इन फेवर ऑफ एनी पर्सन, इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल पर्सन टू द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ लैंड एडमिनिस्टर्ड बाय ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट. इक्वल प्रोजेक्शन, हर इंडिविजुअल का जजमेंट कोर्ट में, चाहे लॉ का एप्लीकेशन इक्वल होगा. ऐसा नहीं है कि आपके जुर्म की सज़ा कुछ और है और उसी सेम जुर्म की सज़ा मुझे कुछ और मिल रही है. तो इक्वल प्रोटेक्टेड लॉज हैं और जो कि इक्वली एप्लीकेबल होंगे, सब्जेक्टेड होंगे. नो पर्सन वेदर रिच और पुअर, हाई और लो, ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल इज अबव द लॉ. लॉ से अबव कोई पर्सन नहीं है. Every individual, every person is equal in the eyes of law. So this is what is basically the concept of equality before law. अगला concept है equal protection of law. ये लिया गया है American Constitution से. The concept of equal protection law has been derived from the American Constitution. ये बताता है equality of treatment under equal circumstances. Both and privileges conferred and liabilities imposed by the laws. तो ट्रीटमेंट जो होगा लॉ के अंडर में वो सबका इक्वल होगा, कोई प्रिविलेज नहीं है. द सिमिलर एप्लीकेशन ऑफ द सेम लॉज टू ऑल द पर्सन हु आर सिमिलरली सिचुएटेड इन. एक सिचुएशन में एक सिमिलर काइंड ऑफ लॉ हर इंडिविजुअल पे एप्लीकेबल होगा. ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में
एक चंक ऑफ पीपल के लिए अलग लॉ है और एक दो लोगों के लिए वो प्रिविलेज्ड है उनके लिए अलग लॉ एप्लीकेबल है. दिस डज नॉट यू नो कॉन्फर अंडर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. द लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ट्रीटमेंट में, बेसिकली ये है. चलिए पहला जो है विच इज़ योर कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी, इट इज़ अ नेगेटिव कॉन्सेप्ट विच सेज. वाई इज इट अ नेगेटिव कॉन्सेप्ट? बिकॉज इट सेज दैट लॉ इज सुप्रीम, नोबडी इज अबव द लॉ, एंड लॉ की नज़र में हर कोई इक्वल है. Nobody is above the law, which is a negative concept, while the latter concept of equal protection of law is a positive concept. ठीक है, so every law is equally protected and equally applied. This is a positive concept. However, both of them aimed at establishing equality of legal status, opportunity and justice. तो ये दोनों जो concepts हैं, equality before law and equal protection of law, इन दोनों का एक ही aim है कि ये लीगल स्टेटस, अपॉर्चुनिटी और जस्टिस की इक्वालिटी करें सोसाइटी में, राइट? सो सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट वेयर इक्वल्स एंड अनइक्वल्स आर ट्रीटेड डिफरेंटली, आर्टिकल 14 डज नॉट अप्लाई. किसी भी तरीके के इक्वल और अनइक्वल, किसी भी क्राइटेरिया में अगर दो तरीके के लोग हैं जो कि इक्वल और अनइक्वल हैं, इफ़ देर इज़ अ डिफरेंट ट्रीटमेंट फॉर देम, आर्टिकल 14 won't अप्लाई देयर. ठीक है, वाइल आर्टिकल 14 फॉरबिड्स क्लास लेजिस्लेशन, क्लास लेजिस्लेशन नहीं करता ये, इट परमिट्स रीजनेबल क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सन, ऑब्जेक्ट एंड ट्रांजैक्शंस बाय द लॉ, बट द क्लासिफिकेशन शुड नॉट बी आर्बिट्ररी, आर्टिफिशियल और इवेजिव. थोड़ा सा जेन्युइन होना चाहिए क्लासिफिकेशन, समझ में आए. ठीक है, तो ऐसा होना चाहिए. रादर इट शुड बी बेस्ड ऑन एन इंटेलिजिबल डिफरेंशियल एंड सब्सटैंशियल डिस्टिंक्शन. थोड़ा डिस्टिंक्शन उनका जेन्युइन होना चाहिए, इंटेलिजिबल होना चाहिए. चलिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ इज एन एलिमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ प्रोपाउंडेड बाय एवी डाइसी, ब्रिटिश जूरिस्ट. हिज कॉन्सेप्ट हैज फॉलोइंग थ्री एलिमेंट्स. सो एवी डाइसी, ही वॉज अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट, एंड इन्होंने बेसिकली इक्वालिटी बिफोर लॉ के कॉन्सेप्ट को तीन एलिमेंट्स दिए हैं. पहला, absence of arbitrary power, that is no man can be punished except for a breach of law. Arbitrary किसी भी इंसान को आप punish नहीं कर सकते हो, arbitrarily कोई action आप किसी individual के against नहीं ले सकते हो. Second element is equality before the law, that is equal subjection of all the citizen. हर सिटीजन के ऊपर एक इक्वल सब्जेक्शन ऑफ लॉज होगा विदाउट बीइंग बायस्ड अबाउट दे बीइंग पुअर और रिच, हाई और लो, ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल, टू द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ लैंड एडमिनिस्टर्ड बाय द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ कोर्ट्स, राइट? तो इक्वल प्रोजेक्शन होगा हर लॉ का. एंड द थर्ड एलिमेंट वॉज द प्राइमेसी ऑफ द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल. That is, constitution जो है वो result है कई सारे rights के individual का, as defined and enforced by the courts of law, rather than constitution being the source of individual rights. लेकिन India के case में हमारा यही point valid है, constitution is the source of individual rights, राइट? तो इंडियन सिस्टम में यही है कि कॉन्स्टिट्यूशन ही इंडिविजुअल के सोर्स का राइट है. सो सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट रूल ऑफ लॉ एज एम्बॉडीड इन आर्टिकल 14 इज अ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सो आर्टिकल 14 इज द बेसिक फीचर, इट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हेंस इट कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड इवन बाय एन अमेंडमेंट. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू मेक, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर. सिंस सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट आर्टिकल 14 कनोट्स टू द बेसिक फीचर, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट कैनॉट बी अमेंडेड अंडर एनी सर्कमस्टांसिस, राइट? चलिए, अब एक्सेप्शंस हैं कुछ इक्वालिटी के ऊपर. ऐसा नहीं है कि
हर सिचुएशन में, हर सरकमस्टांसिस में चीज़ें इक्वल हो. देर आर फ्यू एक्सेप्शंस टू इट, लेट्स गो थ्रू देम. काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग एक्सेप्शंस हैं, याद रखने वाले एक्सेप्शंस हैं और बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको समझिए. द रूल ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ इज नॉट एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट नहीं है, ये क्वालिफाइड है. एंड देर आर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड अदर एक्सेप्शंस टू इट, कई सारे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सेप्शंस हैं, कई सारे अलग तरीके के एक्सेप्शंस हैं, लेट्स सी. तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नर ऑफ स्टेट्स एन्जॉय द फॉलोइंग इम्यूनिटीज अंडर आर्टिकल 361. इनको कुछ इम्यूनिटीज हैं इक्वालिटी बिफोर ऑफ लॉ से, किनको किनको, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एंड गवर्नर ऑफ डिफरेंट स्टेट्स को. सो वॉट आर दोज इम्यूनिटीज? दे आर नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट फॉर द एक्सरसाइज एंड परफॉर्मेंस ऑफ द पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस, राइट? दे आर नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट. नो क्रिमिनल कोर्ट प्रोसीडिंग्स शैल बी इंस्टीट्यूटेड और कंटिन्यूड अगेंस्ट हिम इन एनी कोर्ट ड्यूरिंग द टर्म ऑफ हिज ऑफिस. इनके टर्म में कोई भी क्रिमिनल कोर्ट प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती हैं, ठीक है? Now, another immunity is process for the arrest for or imprisonment of him shall be issued from any court during the term of his office. तो इनके arrest का या imprisonment का process जो है वो issue होगा किसी भी court से. No civil proceedings, criminal proceedings भी नहीं हो सकती, civil proceedings भी नहीं हो सकती during their term of office in any court in respect of any act, किसी भी act को जब ये perform किए होंगे उसके against कोई criminal या civil proceedings नहीं हो सकती, whether before or after he entered upon his office. और कब तक नहीं हो सकती civil proceedings? इनको जब notice दी जाती है उस notice के 2 महीने बाद तक, till and from the day they are entering the office, there cannot be any civil proceedings, ठीक है, गवर्नर और प्रेसिडेंट के केस में. तो ये कुछ इम्यूनिटीज़ थी प्रेसिडेंट और गवर्नर को लेके. इसके बाद जो एक्सेप्शन है, पर्सन शैल बी लायबल टू एनी सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इन एनी कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ पब्लिकेशन इन द न्यूज़पेपर. कोई भी पर्सन जो है वो लायबल नहीं होगा अगर उसने न्यूज़पेपर में, रेडियो में या टीवी पे पब्लिश किया है सब्सटैंशली ट्रू रिपोर्ट ऑफ एनी प्रोसीडिंग ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और ईदर हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट अंडर आर्टिकल 361A. नो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शैल बी लायबल टू एनी प्रोसीडिंग्स इन एनी कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग सेड या उन्होंने कोई वोट किया हो, ठीक है, वोट गिवन बाय हिम इन द पार्लियामेंट और कमिटी देयर ऑफ अंडर आर्टिकल 105. ऐसा नहीं है कि कोई सांसद है पार्लियामेंट के एंड दे आर बींग क्वेश्चन एंड दे आर बींग लायबल टू वॉट दे सेड या उन्होंने कोई वोट किया हो किसी पार्लियामेंट्री सेशन में, उसको लेके भी दे आर नॉट liable to any proceedings. Next is, no member of the legislature of a state shall be liable to any proceedings state government ke case mein. State legislature ke case mein bhi same thing valid hai, parliament as well as state legislature ke case mein. Agar unhone vote kiya ho ya kuch kaha ho, wo liable nahi hongi kisi bhi proceedings ke. Foreign sovereigns, rulers, ambassadors and diplomats enjoy immunity from criminal civil proceedings, ठीक है? And the last one is, the UN and its agencies enjoy diplomatic immunity. ये कुछ exceptions थे, काफ़ी interesting exceptions हैं, इन्हें please याद रखने की कोशिश करिएगा. This was it for today's video and अगली video में हम लोग article 15-16 के बारे में बात करेंगे. कोशिश ये होगी कि राइट टू इक्वालिटी ख़त्म हो जाए नेक्स्ट वीडियो में, तो आर्टिकल 18 तक डिस्कस कर लेंगे अगर वो ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं हुई तो. बट आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहे हों, एंड इफ देर इज़ एनी डाउट प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट सेक्शन. और अगर ये PDFs आपको चाहिए तो प्लीज़ गो टू द टेलीग्राम, विच द लिंक हैज़ बीन मैंशनड इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ एवरी वीडियो. ये सारे नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, ठीक है? तो थैंक यू एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.